बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बॉलीवुड के फेमस एक्टर दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग क्यों कहा जाता है। आइए उठाता हूँ पर्दा एक ऐसी गुमनाम कहानी के बारे में जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। दिलीप कुमार ने भारतीय सिनेमा को कई फिल्में दी है और उनकी खास फिल्मों की वजह से उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। दरअसल दिलीप कुमार के अपने करियर में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कई फिल्मों में गंभीर रोल निभाए। इसके बाद वे ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हो गए। इस दौरान उन्होंने ट्रेजिक किरदार निभाए थे और इसकी वजह से न सिर्फ उनका ये नाम पड़ा बल्कि कहा जाता है कि इन गंभीर रोल के चलते उन्हें डिप्रेशन की दिक्कत भी हुई और जिसका कि एक समय इलाज भी चला था। इलाज के बाद उन्होंने हल्के फुल्के किरदारों के साथ वापसी भी की और खास बात यह रही कि लोगों को उनका किरदार बेहद पसंद आया। अगर उनके दुखांत किरदारों की बात करें तो उन्होंने 1950 में आई फिल्म बाबुल में एक अमीर आदमी का किरदार निभाया था। इसके साथ ही फिल्म दाग, ताराना, दीदार, देवदास, नया दौर, ज्वार भाटा जैसी कई फिल्में आई जिन्होंने दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग का नाम दिला दिया।